और जो बैठे हैं मिनिस्टर प्लानिंग, जो एक प्लानिंग वालों का तरीका है, लीजिए इसको आप रैशनलाइज करें और कम करें, ये तो बहुत पैसे हैं। और फिर फाइनली 2011 में जाके अप्रूव होती है 25 अरब रुपए में, 25 प्लस 5 अरब थे लैंड एक्विजिशन के, जो कहा सूबाई हुकूमत देगी, और बाकी 25 अरब कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ साथ देगी। हमने जब हुकूमत संभाली तो ये इस पोजीशन में थी, तो ये फ्लॉड प्रोजेक्ट था उस वक्त टू स्टार्ट ऑफ। 25 अरब में ये होना नहीं था कभी भी। अभी आप कीमतें जो उसकी देख रहे हैं और मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए इसके साथ। खैर वो काम शुरू कराया, कैमिली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, इसकी पहला काम मेरे ख्याल 2015 में शुरू हुआ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। इसकी जो इंस्टॉलेशन थी उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह का वो इफ्तिताह हुआ। फिर हमने कहा कि जी अब हमारे पास ये 25 अरब रुपए हैं, जिसमें से 12.5 फेडरल गवर्नमेंट देने, 12.5 हमने देने, इसको टेंडर आउट करने जा रहे थे, प्रॉब्लम्स थे। हुकूमत सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन था, हमने कहा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी इदारा है उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और उनसे बात की कि ये 25 अरब रुपए में आप बना के दें। उन्होंने भी जो पहली एस्टिमेट दी इफ आई रिमेंबर करेक्टली दैट वॉज 42 बिलियन, और उसमें भी काफ़ी चीज़ मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काट के उन्होंने कहा था, ये अब कटी हुई थी पहले से, PC1 जो अप्रूव की थी उस वक्त प्लानिंग ने, और उसमें मैं वाटर बोर्ड को भी कसूरवार ठहरवाऊंगा जिन्होंने उस वक्त इसको प्लान किया था। FWO ने कहा 25 नहीं ये 28 अरब रुपए में होगा, 3.5 अरब रुपए हमने कहा हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाते हैं, ये पैसे हम एडिशनल खुद देंगे, ये हम चाह रहे हैं कि बने और 2018 के इलेक्शन से पहले एक हद तक ये कंप्लीट हो जाए।